गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड आई विल टीच यू ग्रामर टुडे। दिस इज़ योर ग्रामर बुक चिल्ड्रन। क्लास फिफ्थ विल डू ग्रामर। ओपन योर बुक्स। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 8, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, नाउ डिग्री ऑफ कंपैरिजन कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? एडजेक्टिव से। ओके, इट्स रिलेटेड टू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम कई तरीकों से इसको इसके फॉर्म्स होते हैं एडजेक्टिव्स के, तो जो फॉर्म्स एडजेक्टिव्स के हैं उसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। नाउ इन डिग्री ऑफ कंपैरिजन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ अ नाउन दैट इज एडजेक्टिव इन मैनी वेज, and these ways are known as the degree of comparison. We will study about three forms of the degree of comparison. First one is positive degree, second is comparative degree, and the third is superlative degree. Adjective में हम degree of comparison में three forms पढ़ेंगे, और उन तीन forms के name हैं positive degree of comparison, comparative degree of comparison and superlative degree of comparison. Now मैं आपको एक बार adjectives revise करवा देती हूँ। What is adjective children? Adjective simple words में अगर हम कहें तो noun या pronoun की quality को हम adjective कहते हैं। Okay? What is adjective? Adjectives are those words which are describing the noun or pronoun. It may be its quality, it may be in numbers, in quantity. Okay, so describing words को हम adjectives कहते हैं, और इन describing words को हम compare भी कर सकते हैं। जैसे noun की कोई quality है, वो big है, small है, तो उसको हम compare करते हैं, तो वो जो comparison करते हैं हम उसको कई ways में करते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। नाउ यू नो दैट एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द पीपल। ओके, अब हमने समझ लिया है कि नाउन्स को, थिंग्स को, पीपल्स को एडजेक्टिव जो है डिस्क्राइब करता है। नाउ एडजेक्टिव कैन बी यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन पीपल एंड थिंग्स। एडजेक्टिव्स जो है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं? कंपेयर करने के लिए, लोगों में और चीज़ों में। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज़ अ काइंड बॉय। मोहन कैसा है? एक दयालु लड़का है। मोहन इज़ काइंडर देन श्याम। मोहन जो है वो मोर काइंड है श्याम से। नाउ थर्ड पॉइंट में है, मोहन इज़ द काइंडेस्ट बॉय इन द क्लास। सो देर आर थ्री वेज इन विच वी कैन डिस्क्राइब द एडजेक्टिव एंड कंपेयर द एडजेक्टिव। नाउ चिल्ड्रन, दीज वर द एग्जांपल्स, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। ओके, ये था पॉजिटिव डिग्री, ये है सुपर, ये है कंपैरेटिव डिग्री एंड दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ये एग्जांपल है पॉजिटिव डिग्री का। सो विल राइट हियर, पॉजिटिव डिग्री, ये काइंडर है, ईआर लगा इसमें, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री। और ये क्या है? ई एस टी लगा हुआ है, तो ये होगा सुपरलेटिव डिग्री। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द थ्री फॉर्म्स ऑफ डिग्री। नाउ देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे तीन डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, और ये फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव जो हैं इसे हम कई तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लर्न करेंगे। ठीक है, पहले सेंटेंस में देखिए आपने, हमने क्या लिखा है? मोहन इज़ अ काइंड बॉय। इन द फर्स्ट सेंटेंस एडजेक्टिव काइंड इज़ द पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव जो है काइंड है वो कौन से डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में। इन द सेकेंड सेंटेंस, मोहन काइंड, मोहन काइंडनेस इज बीइंग कंपेयर टू श्याम। मोहन और श्याम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है काइंडनेस को लेकर। द एडजेक्टिव काइंडर इज़ द कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव जो है काइंडर,
KINDER, ये कौन सा होगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री। और जो एडजेक्टिव काइंडेस्ट है KINDEST, वो होगा सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर पॉजिटिव में हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ओके। पॉजिटिव डिग्री में हम एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में हम दो लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। और थर्ड सेंटेंस में हम एक से थर्ड सेंटेंस मोहन्स काइंडनेस इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू दैट ऑफ एवरीवन, मोहन के काइंडनेस को सारे लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो बेस्ट कौन है? मोहन है। तो मोहन काइंडेस्ट इज द बॉय, मोहन इज द काइंडेस्ट बॉय इन द क्लास, ओके। नाउ यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है चिल्ड्रेन, यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन, ओके। द बेस फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री, इट मेक्स नो कंपैरिजन। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव कंपेयर्स टू पर्सन और थिंग्स। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो दो लोगों और दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करता है। विद द कंपैरेटिव डिग्री वी ऑफन यूज देन, जब हम किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो देन का भी यूज़ करते हैं। तो देन जहाँ रहेगा आप समझ जाइए कि वहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होना है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कंपेयर्स मोर देन टू पर्सन और थिंग, जो डिग्री दो लोगों के बीच, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करती है, वो है सुपरलेटिव डिग्री। विद द सुपरलेटिव डिग्री वी ऑलवेज यूज़ द, यहाँ पे कंपैरेटिव में देन का यूज़ होता है और सुपरलेटिव में द का यूज़ होता है बिफोर द एडजेक्टिव, ओके। सो वेर एवर देर इज़ द बिफोर द एडजेक्टिव या क्वालिटी या क्वान्टिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, इफ़ द इज़ यूज देन अंडरस्टैंड दैट देर इज शुड बी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन। नाउ दीज आर सम एग्जाम्पल्स, प्लीज हैव अ लुक। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। दिस वॉज सिंपल वर्ड्स। नाउ देर आर सम वर्ड्स some adjective change the spelling. Now in these words the spellings are changed. You can see here big, bigger, biggest, tasty, tastier, tastiest. Y के साथ IER का use हुआ है और IEST का साथ, और big में double G लगा हुआ है, bigger, biggest, okay? Double G E R B I double G E S T superlative form में. Next page, turn the page children. You can see here there are some more degree of comparison examples. Difficult, more difficult, most difficult. यहाँ पर हम difficulter या difficultest नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम more और most का use करेंगे। More हम comparative degree of comparison में use करेंगे और most हम superlative degree में use करेंगे। तो difficult, more difficult, most difficult. Wonderful, more wonderful, most wonderful. Some adjectives do not follow these rules while forming their comparative and superlative degree. यहाँ पे कुछ ऐसे words भी हैं जो पूरी तरीके से change हो जाते हैं, जैसे कि good, better, best. Good is positive, better is comparative and best is superlative degree. ऐसे ही ये example है, bad, worse, worst. Bad हमारा क्या होगा? क्या होगा? Positive. Then worse क्या होगा? Comparative. और worst होगा सुपरलेटिव डिग्री। गॉट इट? सो दीज आर द एग्जांपल्स। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज चिल्ड्रन, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। बिफोर वी डू द एक्सरसाइज लेट सी दिस, व्हाट इज योर वॉच आउट। वी नेवर यूज मोर और मोस्ट विद एन एडजेक्टिव दैट इज ऑलरेडी इन द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। माय पेट पैरेट इज नॉइजियर देन माय डॉग। माय पेट पैरेट इज मोर नॉइजियर देन माय डॉग। अब नॉइजियर में हम मोर का यूज़ नहीं करते, वो रॉन्ग होगा। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है वो बिगेस्ट है प्लैनेट, बट हम यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते कि जुपिटर इज़ द मोस्ट बिगेस्ट। मोस्ट और बिगेस्ट, ये रॉन्ग होगा। द करेक्ट वर्ड विल बी, बिग का क्या है? सुपरलेटिव बिगेस्ट है। यू कांट राइट मोस्ट बिगेस्ट, ओके, दैट विल बी रॉन्ग। यहाँ पे देखिए, आपने देखा होगा कि सेंटेंस के जस्ट बगल क्या लिखा है? क्रॉस, यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द राइट करेक्ट वन इज़ द अपर वन, ओके। देन
एडजेक्टिव ओल्ड टेक्स द फॉर्म्स ओल्डर देन ओल्डेस्ट. ओके, ओल्डर का क्या होगा? ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. एल्डर का क्या होगा? एल्डर, एल्डेस्ट. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज चिल्ड्रन. ए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एडजेक्टिव. यहाँ ब्रैकेट में कुछ एडजेक्टिव्स दिए, उसके करेक्ट सुपरलेटिव, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री हमें यहाँ पे फिल करना है. आई थिंक स्वैन्स आर डैश देन डक्स. ओके, अब यहाँ पे स्वैन्स और डक्स दो एनिमल्स को, दो बर्ड्स को कंपेयर किया गया है. जो दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो उसमें हम कौन सा डिग्री यूज़ करते हैं? ओके, कौन सा यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव ना, तो हमें यहाँ कंपैरेटिव, प्रीटी का कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे फिल करना है. प्रीटी का क्या होगा? प्रीटियर. आई थिंक स्वैन्स आर प्रीटियर देन डक्स. ऐसे ही सारा फिल कर लेना है. जो भी ब्रैकेट में दिया है उसका करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको फिल करना है सेंटेंस में. ही विल चूज़ द हार्ड वर्किंग है तो क्या यूज़ होगा? ही विल चूज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन द कॉलेज फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे दो, एक नहीं दो नहीं, दो से ज़्यादा, यानी पूरे स्टूडेंट्स के, सारे स्टूडेंट्स के बारे में बोला जा रहा है. ही विल चूज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन द कॉलेज फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड पॉइंट, थर्ड सेंटेंस, दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल. हम यहाँ क्या फिल करेंगे? मोस्ट डिफ़िकल्ट. यहाँ द का यूज़ है, मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव में एडजेक्टिव के पहले आपको द लिखा हुआ दिखेगा. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन इज द जर्नी टू स्पिटी वॉज अ डैश वन टफ. ओके, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी चीज़ के बीच में, सिर्फ बोला जा रहा है कि जर्नी टू स्पिटी सबसे बहुत ही टफ था. ओके, तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन टफ का टफ ही होगा. फिफ्थ वन, पोचर्स आर डैश टू एनिमल्स क्रूएल. ओके, सिक्स्थ वन, आर टीम वॉज डैश देन द अदर टीम सो इट वन द मैच. ओके, अब यहाँ देन का यूज हो रहा है तो गुड का कंपैरिजन क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? बेटर. गुड, बेटर, बेस्ट. ओके, तो बेटर हम यहाँ राइट करेंगे. सेवेंथ, कैन यू नेम द डैश सिटी इन द वर्ल्ड रिचेस्ट. एट्थ वन, डायमंड इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल सब्सटेंसेस. हार्डेस्ट आंसर होगा. फिलिंग द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे ऑप्शन दिए, हमें करेक्ट पे टिक लगा के अंडरलाइन करके यहाँ फिल करना है. ए हॉर्स टेल इज लॉन्गर देन अ डॉग. लॉन्ग और लॉन्गर में से लॉन्गर लिखेंगे. सेकेंड का आंसर होगा, दिस कबर्ड इज द ओल्डेस्ट पीस ऑफ फर्नीचर दैट आई ओ. यहाँ हम ओल्डेस्ट लिखेंगे. सुनीता इज अ डैश ड्राइवर. यहाँ पर लिखेंगे गुड. द सन रेज आर डैश एट द इक्वेटर स्ट्रॉन्गर. देन फिफ्थ वन, माई फ्लैश लाइट इज डैश देन द बल्ब. ब्राइटर आंसर होगा. तो यहाँ पे फिल करिए ब्राइटर. ही इज अ डैश प्लेयर देन मी वर्स. वर्स जो है वो है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. दिस वाज योर बी एक्सरसाइज. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. सेवेंथ वन, ह्यूमंस आर डैश देन एनिमल्स मोर इंटेलिजेंट. सो यू हैव टू फील मोर इंटेलिजेंट हो गया. नेक्स्ट एट्थ वन, ग्लेंडा वाज द नेम ऑफ अ विकेट विच. नेक्स्ट सी, मेक सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स. यूज द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव्स. दिव्या, थॉटफुल, सीमा. अब ये वर्ड्स दिए हैं, आपको सेंटेंस फ्रेम करना है. दिव्या इज मोर थॉटफुल देन सीमा. सेकेंड वन, कैंगरू बिग कोला. कैंगरूज आर बिगर देन कोला. नेक्स्ट, ही एंग्री टुडे देन यस्टरडे. टुडे ही इज़ मोर एंग्री देन यस्टरडे. कौन सा कंपैरिजन यूज़ किया, कौन सा डिग्री यूज़ किया गया है? कंपैरेटिव डिग्री, मोर एंग्री. तन्मय हैप्पी किड इन द ब्लॉक. तन्मय इज द हैप्पीएस्ट किड इन द ब्लॉक. हैप्पीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन.
My house last one in the lane. My house is the last one in the lane. Today good day of my life. Today is the best day of my life. ये 6th का आंसर है. 7th का आंसर होगा सोफ़ा इज मोर कम्फर्टेबल देन ए चेयर. 8th का आंसर होगा रूपा इज जेंटलर देन कोमल. जेंटल जेंटलर जेंटलेस्ट. ओके तो जेंटलर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज किया गया है. नाउ डी रीराइट द सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स इन द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. टुडे इज द लॉन्गर डे ऑफ द डे. तो हम यहाँ पे क्या चेंजेस लाएंगे, लॉन्गर में को कट करके हम लॉन्गेस्ट लिखेंगे. आंसर आपको ऐसे लिखना है, पहले पूरा सेंटेंस नोट कर लेना है. आंसर ऐसे लिखेंगे टुडे इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर. ओके ऐसे आंसर आपको लिखना है. हर सेंटेंस को पहले राइट कर लेना है क्वेश्चन, उसके नीचे आपको आंसर लिखना है. सेम उसको रीराइट करके बस थोड़े से चेंजेस जो करेंगे आप आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन में उसको नोट करना है. स्वामी इज मोर ब्रेव देन राजन. दो राजन इज स्ट्रॉन्गर अमंग द टू. तो स्ट्रॉन्ग द स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह पे आप स्ट्रॉन्गर राइट करेगा और सब बाकी सब सेंटेंस सेम रहेगा. थर्ड द फ्रेशली बेक्ड केक वॉज हॉट एंड फ्लफियर. द फ्रेशली बेक्ड केक वॉज हॉट एंड फ्लफी लिखना है आपको. यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया गया है. फोर्थ दिस स्टोरी इज सिंपल दैन द अदर वन. दिस स्टोरी इज सिंपलर दैन द अदर वन. यहाँ टू स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन में माय कंप्यूटर गेम इज मोस्ट फन दैन राजेश. माय कंप्यूटर गेम इज मोर फन दैन राजेश. मोर किस में आता है, कंपैरेटिव डिग्री में. सिक्स्थ का आंसर है द वाइट विजार्ड वॉज वाइज दैन द ग्रे वन. आंसर विल बी वाइजर. वाइज की जगह पे आप वाइजर का यूज़ करिएगा और आंसर पूरा सेम सेंटेंस राइट करेगा. सेवेंथ वन एंटोनियो वॉज द वेल्दियर मर्चेंट इन वेनिस. एंटोनियो वॉज द वेल्दियस्ट. वेल्दियर का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा, वेल्दियस्ट. तो आपको आंसर में वेल्दियस्ट लिखना है. ओके नेक्स्ट है एट वन रॉजर फेडरे इज द मोर फेमस टेनिस प्लेयर. तो आंसर में आपको मोर को नहीं लिखना है, आपको जस्ट लिखना है रॉजर फेडरे इज अ फेमस टेनिस प्लेयर. दिस द वॉज द आंसर ऑफ एक्सरसाइज डी. सो चिल्ड्रेन कंप्लीटेड इन द कॉपी. होप यू हैव अंडरस्टूड कि इसमें तीन फॉर्म्स हैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव. तो आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक की पहले बुक में आपको फिल कर लेना है और कॉपी में फिर उसको राइट करना है. एक्सरसाइज ए बी सी एंड डी. Before you write the exercise, you will write these definitions. ये 3 definitions आप कॉपी में राइट कर लेंगे. जब आप अपने न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, आज की डेट आप राइट करेंगे 15th of December 15/12/2020. Don't forget to mention the date, children. And then write the heading adjective degree of comparison. Fill your index column and start with your work writing the definition. And after that, you will write the exercise A, B, C and D. That's all for today, children. In the next video, I will explain you next chapter. Please do your homework and send it in the group on Sunday. Till then, take care. Have a nice day. Thank you.